जय श्री कृष्ण चैतन्य भूनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर किया है तीन दिनों में वैष्णव सदाचार कोर्स के माध्यम से जो भी हमने सीखा है अनंत प्रभु के द्वारा आप सबने सीखा है बहुत उत्साह से भाग लिया था। तो विल स्टार्ट विद द क्विज। तो इसके ऊपर आप सबने काफी क्वेश्चन आंसर्स भी थे आपके और एक प्रोसेस है जो हम सबको सीखना है और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इन चीजों को और अच्छे से डिटेल से जानेंगे। तो एक बेसिक कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया है और सबने कर लिया है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके सब तैयार हैं यहाँ पर? ओके So, आप देख सकते हैं स्क्रीन आज का पिन है 7068171। Kahoot.it में आइए और 7068171 और अपने अपने मोबाइल फोन में खेलिए। और ये जो जो भी ये कोर्स का जो जिन लोगों ने क्विज कंप्लीट करेंगे दे विल ओनली गेट द सर्टिफिकेट। मेरे पास आ जाएगा उन्हीं को मिलेगा सर्टिफिकेट। इसका मतलब उन्होंने ही का कोर्स को कंप्लीट किया है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, ये उनको फिर से दोबारा करना पड़ेगा। बाकी पिछले तीन दिनों में हमारे पास आप सबकी अटेंडेंस आ ही चुकी है। ठीक है, तो सही पता चल ही जाएगा कि जूम में आप कितने लोग प्रेजेंट थे। सब लोग अपना एज यूजुअल अपना आधार कार्ड का नाम रखेंगे। इसका चार्जर ऑन कर दो लैपटॉप को। हेलो
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग जल्दी जल्दी आइए, आप लोग जो भी जूम में है, टाइम नहीं है, प्लीज डू इट फास्ट। दो मिनट और रुकेंगे हम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जल्दी से आइए आप लोग भक्तों, 62 लोग हम मुझे ऑनलाइन दिख रहे हैं, 65 अभी 40 ही दिख रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा फास्ट करिए, 48 हो गया, जल्दी करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। So we are starting the quiz now. Thank you very much. Okay. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौतम आनंदे हरे हरे। तो आप सब लोग आ जाइए जो रह गए हैं। We are starting. श्री प्रभुपाद की जय। मंदिर में प्रवेश करते समय सबसे पहले किस प्रकार का प्रणाम करना चाहिए? पंचांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम, किसी प्रकार का प्रणाम किया जाता है। अरे आपके दोनों के पास क्यों नहीं है? इधर लीजिए फटाफट। दो भी अमन, क्या मत जी, ऐसे थोड़ी चलेगा। मुझे मेरा ये नहीं आ रहा है। खोल के दे दो। ओके, तो बहुत लोग कंफ्यूज हैं, इसीलिए आपकी स्मृति पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप सब लोग जब आप मंदिर में आते हो तो ऐसे नहीं घुसे चले जा रहे अंदर, एटिकेट है मंदिर के अंदर। सबसे पहले आप जब मंदिर के हॉल में आते हो तो आपको गेट पे घुसते ही गेट पे प्रणाम करना चाहिए। गेम पिन है, सीखो ना। तो घुसते ही सबसे पहले जो वैष्णव वहां पर बैठे हुए हैं उनके लिए प्रणाम करना चाहिए। क्या प्रणाम में करेंगे? वैष्णव को प्रणाम कैसे करते हैं जरा ऑनलाइन हाथ उठा के बताएंगे, क्या प्रणाम करना चाहिए? ओके, हमारे बोलो क्या भी कैसे करना चाहिए प्रणाम। बोलो, आवाज नहीं आ रही। चलो अनुप्रिया, पंचांग प्रणाम। क्या प्रणाम में बोलना चाहिए, मंत्र कौन सा होना चाहिए?
नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नहीं, जब हम नामिनं बाहर गेट में घुसते ही सबसे पहला प्रणाम मंत्र क्या होना चाहिए वो मैं पूछ रहा हूँ। दिया प्रभु जी वांछा कल्पतरुभ्यश्च वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये वैष्णव प्रणाम करना चाहिए आपको गेट में घुसते ही पंचांग करते हुए, तो ये हमारा एटिकेट है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए सब लोग, वरना इसके बिना आप वैष्णव से मिलने लायक नहीं है। हाँ, आप अगर ये बोल नहीं रहे हो तो क्या मतलब है, तब तो बाहर देश से जा रहे हैं। हाँ, वैसे ही फिल्मी मतलब बाहर जो घूम रहे हैं नॉर्मल लोगों के साथ, वैसे ही बातचीत हो रहा है वैष्णव डेली, तो आप बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो ये करना पड़ेगा। जब भी आप मिलते हो तो आप लोग एक दूसरे को प्रणाम करना सीखिए। अरे यहाँ नहीं झुकेंगे भगवान के घर में तो फिर कहाँ झुकेंगे, और कोई झुकने की जगह है क्या? हर जगह तो इंसान ऊंचा उठ रहा है। ये तो माता जी और कहीं मत छुएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी कौन आज हमारा फर्स्ट फाइव है। ओ सुधीर प्रभु, सचिन चैतन्य प्रभु, राकेश प्रभु, सियाराम प्रभु, ये दो दो राकेश कैसे आ गए? कैसा घोटाला हो रहा है राकेश प्रभु, थोड़ा सा और बताइए कौन खेल रहा है, थोड़ा चैट में लिखिए, चैट में बताइए आपके नाम में दो दो कैसे हो गए, घर पे माता जी हैं क्या, कौन खेल रहा है, दोनों हम हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक को हटा दिया जाए फिर। रुकिए, आपकी जगह पे कोई एक और आ जाएगा, आपने एक की पोस्ट वो कर दी है। रुकिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ पहले क्या करना है। हाँ, क्या करना चाहिए? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। एक्चुअली कंप्यूटर से, एक मोबाइल से प्रभु जी, हो सकता है बीच में जाएंगे तो मोबाइल से खेलते रह जाएंगे। अच्छा, तो अभी मैं किसको हटा दूँ, डॉक्टर राकेश की ये वाला हटा राकेश कुमार को रहने दीजिए, राकेश को हटा दीजिए प्रभु जी। दें? हाँ, इसको हटा दीजिए प्रभु जी। ठीक है, अरे ममता राय आ गई माता जी, बहुत अच्छा, हरी बोल। चलो आगे बढ़ते हैं, माताओं के लिए कौन सा प्रणाम उपयुक्त है? बोलेंगे नहीं प्रभु जी, अरे कुछ नहीं, कोई कोई यहाँ कोई किसी का कोई नहीं है, किसी को नहीं जानते यहाँ। थोड़ा दूरी बनाइए माता जी, थोड़ा दूरी बढ़ाइए आप थोड़ा उधर दूर यार, बहुत पास हो गए, इतना दोस्ती अच्छा नहीं है भगवान के सामने, किसी और से दोस्ती इतना नहीं। पंचांग प्रणाम हरि ओम, तो काफी लोगों ने इसको सही किया है। तो माताओं को कभी कभी आप देखिए, लोगों को पता नहीं होता है, अष्टांग सब अष्टांग प्रणाम कर देते हैं, दैट इज नॉट गुड आइडिया। कल हमने उसमें देखा था पूरा पंचांग प्रणाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवर्तन हो गया है, अनु अनु ऊपर आ गई, प्रियंका सिंह पर माता जी। ओके, बहुत अच्छा, परिवर्तन बहुत संसार का नियम है। आगे बढ़ते हैं, मंदिर की वेदी बंद होने पर भी प्रणाम किया जा सकता है, ट्रू है या फॉल्स है? कोई बोलेगा नहीं, अरे आपकी आवाज यहां तक आ रही है, ऐसा क्या हो गया आपकी आवाज में, आज क्या हो गया जादू? पड़ोसी तक तो जा ही रही, हमारे तक पहुंच जा रही है, भगवान जगन्नाथ की कृपा से। देखिए आपकी आवाज में ज्यादा आज वजन हो गया है। तो प्रणाम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शयन कर रहे हैं या उनको भोजन हो रहा है, तो उसमें प्रणाम को अवॉइड करते हैं। तो इसीलिए इसमें 50-50 हो गए हमारे भक्त लोग, तो ये नहीं किया जाता है, ये निषेध होता है। उस समय परिक्रमा का भी, मंदिर के परिक्रमा का भी व्यवधान, परिक्रमा भी नहीं किया जाता है उस समय, नॉर्मली अवॉइड करते हैं। स्वास्तिक की एंट्री हो गई है, शशि चैतन्य आज परचम लहरा रहे हैं। ओके, जोर से नहीं बोलना, अच्छा एक बार लड़ाई ना करना,
किसी की आलोचना अपमान ना करना, क्रोधित ना होने किसके सामने नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये क्वेश्चन हमारे सर्वज्ञ प्रभु का बनाया हुआ है, आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं, भावनाओं को समझिए उनकी। माता पिता भक्तों विग्रह जनता, मतलब देखा जाए तो किसी के सामने नहीं करना चाहिए, बट भावना समझिए आप, ठीक है ना। मल्टी करना नहीं था, नहीं तो फिर तो भावना ही खराब हो जाती। अरे आप सब लोगों को इसका एक ही था, विग्रह के सामने जब आप लोग अगर कोर्स पढ़ेंगे तो ये उसी के संदर्भ में बताया गया विग्रह के सामने। तो हमें कभी कभी लोग भगवान के सामने जाते हैं और जोर जोर से बोलते हैं, फोन में बात करते हैं, ये सब सही नहीं है। लड़ाई करना तो भैया, आप किसी सोचिए, आप ये जूम बंद कर दो, किसका चल रहा है, आवाज आ रहा है ना, हरि बोल। हाँ माता जी का तो खुला है, तो कहूत मत बंद कर देना उनका। तो ये आप समझिए, जब आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, दैट मीन्स आप जैसे आप एक राजा जो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं उनके घर पे प्रवेश कर रहे हैं, तो आप समझिए आपको कितना एटिकेट आना चाहिए। तो भगवान के सामने जैसे इसमें लिखा था कि आप कभी भी पालकी जूता ये सब पहन के नहीं करते हैं, मतलब भगवान के सामने सम्मान ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये एटिकेट है, सदाचार का पार्ट है। परिवर्तन हो गया, राम रेत प्रभु की एंट्री हो गई, हरि बोल। आज राम रेत प्रभु पूरा फॉर्म में है। वैष्णव का पहनावा कैसा होना चाहिए, आधुनिक फैशन या कीमती पोशाक, धोती कुर्ता एवं साड़ी, शर्ट पैंट, कुछ भी विशेष ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं, जो मिल जाए पहन लो। ये मैं चाहता हूं सबका सही होना चाहिए, सबके लिए खुला ऑफर है ये, तुम खेला है कि नहीं, ये तुरंत 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 लॉगिन करो, लॉगिन। यहाँ दर्शन देने के लिए नहीं बैठा भाई, दर्शन भगवान दे रहे हैं, तुम्हारा काम नहीं। धोती कुर्ता और साड़ी, तीन लोगों ने कह रहा है कुछ भी पहन के चले जाओ, ऐसा मत करिए। हाँ एक लोग कह रहे हैं आधुनिक होना चाहिए, फैशन, भगवान को फैशन नहीं दिखाया तो किसको दिखाया। अरे भगवान को फैशन दिखा के क्या होगा, कृष्णा हीरो हैं, असली हीरो हैं वो, बाकी तो जो पर्दे में है ना वो सब नकली हीरो हैं। कृष्णा जब कालिया के सामने गए हैं और उसको चैलेंज किए हैं, क्या हो रहा है, हरी बोल। तो हरी बोल, तो भगवान गए हैं तो कालिया को चैलेंज किए हैं, खुला चैलेंज, और उनकी उसकी सिर पे डांस कर रहे हैं कृष्ण। कोई है ऐसा, ये सब सो कॉल्ड हीरो, हाँ उनको स्टंट करने के लिए साइड में स्टंट मैन चाहिए, कृष्णा को कोई स्टंट मैन नहीं चाहिए। बार बार रीटेक 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 करते रहते हैं लोग, कृष्णा को कोई रीटेक करने की जरूरत नहीं है। तो कृष्णा इज द रियल हीरो, बाकी सब उनके कॉमिक्स बना, कॉपी करके कॉमिक्स बनाते हैं और कुछ नहीं, कार्टून ही एक्चुअली उनका करना, कार्टून है। हम देख के बोलते वाह क्या मुक्का मारा है भाई, क्या सीन है, फाइटिंग सीन है भाई, अब नकली है। अगर इसको अगर आप देखोगे पर्दे के पीछे तो असलियत समझ में आ जाएगी, तो होंगी है सब, असली हीरो कृष्णा है। इसलिए उन हीरो के पास जब आप जाते हो मिलने के लिए, खुद हीरो बनने का प्रयास मत करिए। और इसका एक कारण भी था, कौन बताएगा कि हमें फैशन और कीमती पोशाक नहीं पहनने चाहिए, लेट मी सी कौन आंसर करता है, हाथ उठाइए। दिया बोलेगी अभिषेक भारती प्रभु, ओके हाथ पहले उठाने वाले को पहले मौका दिया जाएगा। हाँ
प्रभु जी, क्योंकि हमें दूसरों को अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पास हला के माइक से बोलो बेटा, थोड़ा तेज। प्रभु जी, क्योंकि हमें दूसरों को अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए, क्यों, और वो डिस्ट्रैक्ट होकर हमें देखेंगे और भगवान को नहीं देखेंगे। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे मंदिर जा रहे हो भाई, आजकल लोग मंदिर जाते हैं ना दूसरों को अट्रैक्ट करने, फैशन हो गया भैया। लोग सोचता है ऐसी जगह पे जाएंगे दूसरों को अट्रैक्ट करेंगे, कितना बड़ा। अरे भैया तुम जाओ मॉल जाओ, मंदिर क्यों जा रहे हो? मंदिर इसलिए मत बनाओ उसका उद्देश्य, मॉल जाओ, इसके लिए मॉल खोल रखा है। ये सब गलत बात है, भगवान के सामने गए हैं। और एक बड़ा आजकल प्रॉब्लम हो गया, अरे भगवान के सामने जा रहे हो हाफ पैंट में क्यों जा रहे हो भाई? कुछ भी पहन के आ जाओगे भगवान के सामने? अरे प्राइम मिनिस्टर के सामने जाते हो तो हाफ पैंट में चले जाते हो मिलने? क्या कृष्ण से मिलने जा रहे हो भाई? हाँ, जिनकी इच्छा मात्र से सूर्य चंद्र अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, हाँ, जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है, उनके सामने जा रहे हो, थोड़ा तो शर्म कर लो। तो वी हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल। सो आवर एटिकेट्स, आवर ड्रेस शोज दैट हाउ वी आर गोइंग टू यू नो रिस्पेक्ट अ पर्सन वी आर मीटिंग। आप किसी के पास जा रहे हो, दैट मीन दैट शोज कि आप कितना रिस्पेक्ट कर रहे हो उस व्यक्ति के साथ। बनियान में पहुंच गया, पता लगा ऊपर से पहना ही नहीं। ऐसा नहीं होता भाई, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। देखो सबसे बेस्ट अटायर है धोती कुर्ता और साड़ी, और बाकी उसमें भूले गए हैं। बट हाँ, फटी हुई जीन्स पहन के मां क्यों जाएंगे भाई भगवान के सामने? तो ये सब वी हैव टू वेरी अंडरस्टैंड कि भाई भगवान के सामने जा रहे हैं, थोड़ा तो रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये आपको बताया जा रहा है बिकॉज आप लोग आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में, इसलिए बताया जा रहा है। बाकी कोई फर्स्ट टाइम आएगा तो उसको नहीं बताएंगे क्या मतलब इसको समझ। पहले तो भाई भगवत गीता तो समझ ले। हाँ, भगवत गीता भगवान कौन है तो समझ ले, खुद कौन है तो समझ ले, बाकी बातें उनको बाद में बताई जाएंगी। तो ये कुछ रूल्स हैं, आप देखेंगे आज भी कई मंदिरों में ये रूल है। साउथ इंडिया में आपको अलग से धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा, नहीं तो अंदर घुसने नहीं देंगे, दर्शन ही नहीं होगा। हाँ, तो ये सिस्टम है। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोगों ने 58 लोगों के लिए हरी बोल, हरी बोल ना, घटिया हरी बोल, तेजी से बोलो हरी बोल। अरे वो रह गया, चलो कोई बात नहीं। तिलक कितने स्थानों पर लगाना चाहिए? शरीर को, शरीर बताया जाता है कि भगवान एक मंदिर है। हाँ, खेल रहा है तो मोबाइल जब्त हो जाएगा अगर आदमी नहीं खेला। शरीर एक मंदिर है, मंदिर को प्रभु का चरण स्थली बनाना चाहिए, प्रभु का स्थान। अरे 42 लोगों ने सही कर दिया है, 12 स्थानों में शरीर पर तिलक लगाना चाहिए। और भी क्वेश्चंस थे लेकिन टाइम की अभाव के कारण इससे नहीं बन पाए, वरना मैं बहुत क्वेश्चन बताया था। एनीवे उसको अगले इसके लिए रखेंगे। 42 हरी बोल, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। स्वास्तिक और राम ऋतु के बीच में घमासान हो रहा है, उठक बैठक हो रहा है, कोई उठ रहा है, कोई गिर रहा है, चल रहा है इनका बीच में। बाकी सची चैतन्य कह रहे हैं आज उठक बैठक खेलने का टाइम नहीं है, आज हम हम बिल्कुल आगे ही है। पेपर लीक तो नहीं हुआ है। अच्छा, ये शिखा पे क्वेश्चन है आपका, फिजिक देखते हैं कितना ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। हम वैष्णव संप्रदाय में हमें कोई ऐसा नहीं है कि पूरे बाल बड़े बड़े, ऐसा कोई नहीं है। शिखाचार्य नहीं बनना है हमें, हमें शिखा बट एक डिसेंट शिखा होनी चाहिए, 27 डेढ़ इंच के बराबर, गाय के खुर के साइज के बराबर रख बताया गया है। तो आप में से 27 लोगों ने सही कर दिया है, 2.5 इंच, 7.5 इंच वाले भी हैं। और कुछ नहीं लग रहा है उसमें, मेजरमेंट भी कर लिया था क्या, 0.5 इंच। तो कोई बात नहीं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, और आपने स्टडी मटेरियल पढ़ा होता तो आप इसको जरूर सही करते। गिर गए, अरे कौन गिरा? स्वास्तिक
तो बिल्कुल ही राधा रंजन प्रभु ने कहा आज तो मैं भी कम नहीं। तो देखते हैं आगे, सही विकल्प चूज करिए। कौन सा सही है इसमें? जब आप प्रणाम करते हैं अष्टांग प्रणाम इसका सबका सही होना चाहिए। बहुत बार मैं देखा हूं भक्तों को पता लगा प्रणाम करते करते ही सो गए लग रहा है। अरे 64 लोगों ने सही किया, बोलो हरि बोल। तो जो इनमें से प्रभु लोग हैं कृपया करके मंदिर में आए तो यही प्रणाम करिएगा। सही कर दिया इसका मतलब नहीं है सही, बस थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली भी करना पड़ेगा। मंदिर में आते हैं तो भगवान को प्रणाम करिए। तो भगवान के सामने नहीं झुका तो किसके सामने झुका? इसलिए आई थिंक इसमें अभी किसी का कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। अरे इसमें भी परिवर्तन है, दीप्ति अग्रवाल माता जी आ चुकी हैं, परिवर्तन तो हो ही रहा है। मल्टी सिलेक्ट है, बहुत पहली बार आज आया है। कंठी माला किसे धारण करना चाहिए? दीक्षित भक्त, चार नियमों का पालन करने वाले दीक्षित, लेकिन दीक्षित भक्त नहीं। हर कोई चार नियम का पालन नहीं करने वाले। अच्छा इसमें क्या है, कंठी माला किसे धारण करनी चाहिए? अच्छा हर कोई, अरे बहुत लोगों ने बिल्कुल फोड़ दिया सबने। देखो कोई परिवर्तन इसमें देखते हैं। मीनाक्षी माता जी आ गई हैं। तो ये टिकेट से हमने देखा था कि चार नियम अगर आप पालन करने लग गए हैं तो यू कैन वेयर द तुलसी माला इच्छा के बाद भी। तो जैसे मान लीजिए आप अगर एक थोड़ा सा सिस्टम है कि अगर आप इच्छा नहीं हुआ है तो दो राउंड का माला पहन सकते हैं, इच्छा हो गया उसके बाद तीन माला, तीन राउंड का, ठीक है। मीनाक्षी माता जी ने जंप कर दिया है, ओके। मल्टी सिलेक्ट, कोई मंदिर में कब प्रवेश नहीं कर सकता है? बिना स्नान के, मल त्याग करने के बाद, बिना धुले कपड़े पहनने के पहने, खाना खाने के बाद और बिना हाथ मुंह धुए किसी व्यवस्था में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर है, भगवान मेरा घर है, अरे बड़े सजग हैं लोग। अच्छा तो ये एटिकेट्स हैं, आप सब समझदार हो गए हैं। सी ये एक नियम होता है एक्चुअली कि आप जिसे आज जो पहनते हैं उसको कल नहीं पहनते, ये सीखना चाहिए हमें। ये नहीं कि मुझे एक ही जीन्स पैंट चल रहा है, एक ही पैंट चल रहा है सालों साल, हाँ धुलते समय फिर कोई तो कहीं सुना था उसको, किसने बताया था मुझे आके कि मैंने धुलने को दिया धोबी को अपना कपड़ा, धोबी ने मना कर दिया धुलने से, बोला इसको धुलेगा नहीं मैं, हाँ धुलने करो इतना ज्यादा गंदा है इसको धुलने से हमारा बहुत धुलने लायक ही नहीं है, डिजर्व ही नहीं करता धुलाई है, फेंकाई ही डिजर्व करता, इतना गंदा हो चुका है। तो आजकल लोग इसीलिए क्या करते हैं, डार्क कपड़े पहनते हैं, डार्क रहेगा तो गंदा कहाँ पता चलेगा। अरे आप दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी साफ सफाई रखते हुए, अपने लिए करते हैं हम अगर साफ सफाई में रहेंगे तो सतोगुण रहेगा हमारा, सतोगुण में रहेंगे तो ज्ञान में रहेंगे, हरि बोल, शांति, सतोगुण में रहेंगे तो ज्ञान में रहेंगे और तभी तो ये भगवत तत्व जाएगा हमारे हृदय में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, खाना खाने के बाद हाथ को नैपकिन से पोंछ के हो गया जी डन, वो अभी भी जूठा है आपका हाथ, ठीक है ना। ये थोड़ा सा विशेष, अगर आप वॉशरूम जाते हैं, हाँ स्टमक क्लीनिंग करते हैं तो आपको नहाना कंपलसरी है, कंपलसरी है, ये एटिकेट देखिए। और आप उस समय जो भी वस्त्र हैं आपके सबको धुलना पड़ेगा, ये रूल्स हैं जो आज, ये पहले सिखाने की जरूरत नहीं होती थी, आजकल सिखाने की जरूरत हो गई है। पहले वैष्णव क्या सबको यही पालन करता था, पहले सभी भक्ति के भक्ति थे एक्चुअली,
पालन करते थे। वैदिक संस्कृति हमारा थी, वैष्णव तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे अनंत प्रभु बोल भी रहे थे, वैष्णव तो नेक्स्ट स्टेज है, ये बेसिक रूल तो सब फॉलो करते थे पहले। अभी बताओ बेसिक रूल बताओगे तब आगे की बात आती है। तो अरे गिर पतन हो चुका है, सची चैतन्य का पतन हो गया है भाई। हाँ सुधीर प्रभु ने बिल्कुल छक्के छुड़ा दिए उनके। हाँ मीनाक्षी माता जी बिल्कुल अब ऊपर धीरे धीरे स्टडी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला गेम खेल रही है लग रहा है। बाकी सब आइए जल्दी आइए। ओके सही विकल्प चुने, नाचने का तरीका है ये डांसिंग का। कौन सा सही है कौन सा गलत है ऑप्शन चूज करिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन कर ली करने से डांस अच्छा होगा। एक बार और करते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको कीर्तन की नचा दिया तो आपको स्टेप कर लीजिए आप। तो आप सबने देखा था एक में बेचारा, कभी कभी हम कीर्तन करते हैं ना तो बस हम ही हम है बाकी सब कम है, बाकी सब गिरा दो। वो एक था ना जो मुक्का मार रहे थे लग रहा गिरी गए दो चार। तो इसलिए जब आप भक्तों के संग कीर्तन कर रहे हैं तो केयरफुल रहना चाहिए, इन्हीं की दो चार घायल हो गए बाद में उनके लिए एम्बुलेंस बुलाया जा रहा है। कहां से भैया संकीर्तन हो रहा था तो दो चार भक्त गिर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझदारी से हमें काम करना चाहिए। तो इसीलिए उसमें कुछ कुछ विशेष नृत्य होते हैं उनको हमें। तो आप सब ने बहुत लोगों ने गलत कर दिया है, कृपया अगेन गो थ्रू क्विकली टू द जो हमारा हमने स्टडी मटेरियल दिया है आपको। अरे आज राकेश प्रभु आहा मीनाक्षी माता जी ने दो पायदान ऊपर आ गए, तपस प्रभु आ चुके हैं। अरे वो कह रहे हैं हम तो बंगाल से हैं, गौड़िया संप्रदाय हमारे ही उधर से निकला है, आज हम पीछे कैसे रह सकते हैं। नष्टी माता जी थोड़ा दूर हो गई है तो थोड़ा आवाज नहीं पहुंच रही क्या अभी। सही विकल्प चुने, मंदिर में बैठने का तरीका कौन सा सही है। कुछ भी चलेगा क्या है, सब सही है, ए बी डी सही है बी गलत है। मंदिर में बैठे जब तो कर ले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे वाह क्या बात है। तो ये पॉइंट था कि भगवान की तरफ कभी भी हमें पैर नहीं दिखाना चाहिए। कभी कभी लोग पैर फैलाते समय भगवान की तरफ फैला देते, सही नहीं है। भगवान के सामने हमें पैर नहीं फैलाना है और पोस्चर हमारा सही होना चाहिए, पैर ढका होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। बट अगर आप जीन्स पैंट पहन के आओगे तो कैसे झांकेगा। हाँ मतलब उसके लिए ठीक है, इन्होंने शायद गौरव ने कुछ प्रयास किया है थोड़ा बहुत, अगर उस मुद्रा में बैठे हैं तो थोड़ा ढक गया है ठीक है, अमन का दिख रहा है। और पैर पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। हाँ पैर पे हाथ लगाना, मुंह लगाना, मुंह अगर हम हाथ हाथ मुंह पे लगाएं ये सब वर्जित है। हाँ कोई भी जितना भी हमारा पैर को ढकने का मतलब सॉक्स पहन के आते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, मतलब ढका ही है कपड़े से देखा जाए तो ठीक है। अरे बढ़ गया, चलिए कोई बात नहीं। वैष्णव सदाचार,
व्यवहार करने का विज्ञान है, संज्ञात्मक विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान है, यह विज्ञान नहीं है। अभी ने 51 लोगों ने सही किया, आप सब लोग समझदार हैं, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो ये एक साइंस है इसको, क्योंकि अगर आप वैसा करोगे तो इससे क्या होगा, इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करना है तो बस कोई रिचुअल है, ये करोगे तो आपकी भक्ति का संवर्धन होगा। आप कोई अपराध नहीं करोगे, आपकी भक्ति बढ़ती रहेगी। स्टेडीनेस प्रणव ने जंप कर दिया है, दीक्षा केम इन टू पिक्चर। अरे कुछ भी हो रहा है आज, तो आज किसी की भी स्थिति फिक्स नहीं है। राकेश थ्रू लेकिन काफी ऊंचा जंप मारे हैं, 1000 अभी अंकों से ऊपर है, 800 कम से कम, लेकिन अभी तक कोई फिक्स नहीं है कहीं पर। मल्टी सिलेक्ट वैष्णव आचरण का उद्देश्य है निरंतर भगवान का स्मरण, कभी भी उनका विस्मरण ना होना। सादा जीवन उच्च विचार, केवल बाहर से दिखावा करने के लिए, केवल मंदिर परिसर के लिए वैष्णव आचरण की जरूरत होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम। अरे वाह, सभी का सही हो गया लग रहा। बस कुछ ही है, कह रहे हैं कि केवल मंदिर परिसर में करना है वैष्णव आचरण, बाकी बाहर कुछ भी कर लो। तो आपको ये फॉर्मूला बता दूं, जैसे कई बार कुछ नियम होते हैं आपको लगता है ये उल्टा सीधा हो गया है, पालन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वैष्णव आचरण का उद्देश्य है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, मतलब सदैव स्मरण करना, कभी भूलना नहीं। तो कभी कभी इस प्रिंसिपल को पूरा करने के लिए हो सकता है छोटे प्रिंसिपल को हम भुला दें। मुख्य प्रिंसिपल क्या है, भगवान को हमेशा स्मरण करना। तो हमें वैष्णव आचरण करने का क्या उद्देश्य, यही उद्देश्य। तो कभी कभी कुछ चीजें हम स्किप करके कुछ दूसरी चीज कर लेते हैं, पर्पस क्या है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। और सादा जीवन उच्च विचार, ये सिर्फ वैष्णव के अंदर ही आ सकता है, बाकी तो सब दिखावटी है। सादा जीवन कौन जी रहा है अभी, उच्च विचार कहाँ है। तो सादा जीवन, उनका सादा विचार और क्या रहता है, सादा विचार और उच्च जीवन यही रहता है। कोई परिवर्तन है अभिषेक, भारती प्रभु आ चुके हैं। अरे धीरे धीरे कहां से अचानक आ गए। अर्च विग्रह पर मनन करने की प्रक्रिया भगवान के से आरंभ करना चाहिए। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ प्रिय, जय जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। अरे वाह, आप सब भगवान के चरण से आरंभ करेंगे। तो चरण से हम आते हैं धीरे धीरे भगवान के, आप शरीर के सारे अंगों में आते हुए मुख पे आते हैं लास्ट में। तो हम नॉर्मली मुख से ही शुरू कर देते हैं, ये सही प्रक्रिया नहीं है। और तो ये एक तरीका है। इसलिए जो भागवतम भी आप जो पढ़ते हो, श्रीमद् भागवतम,
उसरू पहला और दूसरा स्कंद वो भगवान के चरण है, चरण से ही आरंभ होती है। दसवां स्कंद जो है भागवतम भगवान के श्रीमुख है, कमल मुख, इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रक्रिया यही है, नीचे से जाना, कोई परिवर्तन नहीं है। मल्टी सिलेक्ट अर्थ विग्रह के समक्ष, ओके, जोर से ना बोलें, दूसरों की स्थिति ना करें, मजाक ना करें, अथवा सत्य ना वचन बोलें, भक्तों का गुणगान ना करें, सावधान हो जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा। तो आप लोग फंस गए, एक ऑप्शन जो दिया उसने आप सबको फंसा दिया, तो इसीलिए दिया था मैंने जानबूझ के। तो जोर से ना बोलना तो सबको अच्छा लगा, दूसरों की स्तुति ना करना मतलब, तो हम जो पता लगा भगवान के मंदिर में आए गुणगान कर रहे हैं, हम हाँ नेताओं का गुणगान कर रहे हैं या किसी संसारी व्यक्ति का, कि देखो धीरू भाई अंबानी जी कितने महान व्यक्ति हैं। अरे भाई भगवान के सामने आए हो, धीरू भाई अंबानी का महान तो क्या पहले क्या है, भगवान ने धीरू भाई अंबानी को धीरू भाई अंबानी बनाया है, हाँ उनके सामने तुम किसी की भी गुणगान करोगे क्या मतलब है। तो दिस इज द एटिकेट। और दूसरी चीज बातें हैं भक्तों के गुणगान के बारे में, तो भगवान तो खुश हो जाते हैं सुन के। श्रीमद् भागवतम इज फिल्ड विद ग्लोरिफिकेशन ऑफ द ग्रेट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान के सुंदर सुंदर भक्तों का गुणगान है, प्रहलाद महाराज के गुणगान, गुरु महाराज के गुणगान, नारद जी का गुणगान, वेद व्यास का गुणगान, सुखदेव गोस्वामी का गुणगान, परीक्षित महाराज के गुणगान, अरे कितना गुणगान है, गुड़ी गुड़ है, चखते रहो। तो इसलिए हम कभी भी न निंदा करते हैं किसी का, न किसी का हम किसी का प्रशंसा करते हैं। भक्त दे डोंट डर, क्योंकि संसारी व्यक्ति का थोड़ा पैसा है, बहुत पैसा है भाई इसके पास, बड़ा माला माल है, कितना महान आदमी है, ये सब क्या मतलब। दैट मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन हिज सो कॉल्ड मनी एंड फेम, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। Why should we glorify? It is because of Krishna's mercy. भगवान की कृपा से वो आज कोई कभी सिकंदर है तो कभी कुछ है। इसलिए we should understand this. हाँ, कृष्ण का glorify, भक्तों का गुणगान करना मतलब कृष्ण का ही गुणगान करना, ठीक है ना। तो ये भगवान बोलते भी हम भक्त पराधीन हो। तो ये आप लोग समझ गया होंगे, 29 लोगों को गलत हो गया है, अफसोस। इधर किसका किसका गलत है, लालच भी बुरी वाला है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, बहुत चेंज हो रहे हैं। ओजस्वी ने एंट्री मार दिया है, अमन अग्रवाल ने एंट्री मार दिया है, ओके। लेकिन हमारे हाईएस्ट क्लाइंबर के सामने आग जल रही है, ये आगे क्या है भाई, फायर, हाँ फायर में है मतलब, ये क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये तो उनका बात है, लाइफ में दो दो नहीं है, हाँ वो स्किप करेंगे तो हो जाता है। तो गले में तुलसी माला किस बात का सूचक होता है, शुद्ध भक्त है, इस्कॉन भक्त है, भगवान के प्रति शरणागति है, उपयुक्त सभी सही है। देखिए कौन सा मतलब बता दीजिए। तो
भगवान के प्रति। हमारे शुद्ध भक्त होता तो कंठी माला नहीं भी है तो क्या भक्त है उसका, अब मना कर दोगे? तो शरणागति का सूचक है, दैट मीन्स हाँ दिस पर्सन इज सरेंडर टू, शरणागति के लिए प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब नॉन इस्कॉन डिवोटी वैष्णव संप्रदाय जितने भी हैं सब कंठी माला पहनते हैं, इसलिए आप भी, लेकिन ये भी नहीं सोचना जब हम तो पहन लिए तो हम तो अब शुद्ध भक्त हो गए, ऐसा नहीं होता है। बट शरणागति का सूचक है ये वर्ड, एज इट इज हमने बुक से लिया है, 19 लोगों ने सही किया है, बाकी लोग गलत करके बैठ गए। तुम इधर आ जाओ, बहुत ऊंचा नीचे इधर आ जाओ, उनको अगर दिक्कत हो रहा है इधर तो संग में। प्रियंका माता जी आ गई है, एंट्री नया हुआ है, ओजस्वी थोड़ा दूर दूर हो जाए कृपया, घर में जो एक साथ है थोड़ा दूरी बनाए, ईमानदारी का परिचय दें। मल्टी सिलेक्ट, सही विकल्प चूज करिए। जो भक्त दीक्षा लेने की तैयारी में है उन्हें सेविंग और ये सब नहीं रखना चाहिए, सेविंग करना चाहिए, मतलब भक्तों को अधिक कीमती और चमकीली आभूषण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भक्त चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं, भक्तों को फैंसी हेयर स्टाइल रखने में क्या प्रॉब्लम है, ना रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये आप लोग सब समझदार हैं। एक बार प्रभुपाद जी का इंटरव्यू कोई ले रहा था, लेडी ले रही थी, तो प्रभुपाद आप ये हेडसेट क्यों रखते हैं? तो प्रभुपाद बोले कि हम ना अपना हेड कूल रखते हैं, हेड कूल रहना चाहिए, बट आप लोगों का पता नहीं क्या फैशन है, आप पैर को सेव करते हैं। हम तो हेड सेव करते हैं, तो आप पैर को कूल रखना चाहते हैं, हम हेड को कूल रखना चाहते हैं। प्रभुपाद जी के आंसर कितने जबरदस्त होते हैं। तो बेसिकली हेड सेव मतलब क्लीनिंग, क्लेनलीनेस, सफाई का सूचक होता है। दैट्स व्हाई वी डू जगन्नाथ दुजे सुद्रा महारानी की। तो और बाकी चमकीली चमकीली चीजें पहनोगे तो पीछे चोर पड़ जाएंगे, भक्ति नहीं होगा, बोला खो गया पीछे चोर पड़ेंगे, माखन चोर नहीं आएंगे लेकिन। और भक्त चमड़े की मतलब हमने बताया भी था, बिकॉज इट इनकर सो मच वायलेंस, चमड़ा वायलेंस से आता है, इसलिए भक्त नॉर्मली लेदर से बचते हैं। लेदर जैसा लगता है तो ठीक है, लेदर नहीं होना चाहिए। और फैंसी हेयर स्टाइल कृपया करके, मैंने ऑलरेडी बता दिया, कृष्णा से ज्यादा आप हीरो नहीं बन सकते ना, कृष्णा के सामने आके हीरोगिरी कैसे करेंगे। हाँ, बट दिस इज दीज आर द एक्सटर्नल थिंग्स, बट आप ये चीज समझिए, संसार में कोई भी कोई आप देखेंगे कोई कुछ भी प्रोफेशन करता है, आर्मी वाले भी तो बोल सकते थे हम भी हेयर स्टाइल फैंसी कर सकते हैं, बट एक डिसिप्लिन होता है, हर एरिया में देयर इज सर्टेन डिसिप्लिन एसोसिएटेड विद दैट। अगर एक डॉक्टर है, अब उसको बोलो रेड में पहन के जाओ, वैसे ही सबको रेड रेड है, उनके आसपास ऑपरेशन थिएटर रेड है, सब रेड है, तो फॉर देम एक सिंपल वाइट ड्रेस रखा। तो ये एटिकेट, ये सब के उसमें सिस्टम है, तो वैसे ही भक्तों के लिए भी सिस्टम है। आप ही नहीं बोल सकते ऐसा आप क्यों करते हो, अरे दिस इज द वे इट इज, ताकि वो लोग उस जब ड्रेस में होते हैं तो दे कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। साधु गलत करता हुआ दिखेगा साधु की ड्रेस में तो कितना खराब है। एक अगर जो अगर पुलिस वाला वर्दी पहन के खुले आम अगर लेगा
तो उसको कितना शर्म आएगा, तो अंदर से ले ले वर्दी, खुले हम ले तो शर्म आएगा उसको, वर्दी में हूँ भाई। इसलिए वर्दी का फर्क पड़ता है, उससे आप अपने आप को रोक पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमको पता नहीं है मैं तभी इस ड्रेस में हूँ, बाहर आ तू मंदिर के फिर बताता हूँ, हाँ फिर मैं असली तो देखेगा, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो बाहर से ही नहीं, हमें अंदर से भी कल्टिवेशन करना है, बट बाहर की चीजें आपके आपको फैसिलिटेट करती हैं अंदर की चरित्र को ठीक करने, ठीक है। हाँ वो स्पेशल उसके लिए है ना, मतलब भगवान के उसके लिए बनाया जाता है, सेवा के लिए, और वो भी मतलब उसमें नॉर्मली वायलेंस से नहीं होता है इन चीजों को, जब नहीं वैसे भी इन चीजों को तब यूज किया जाता है जब वो नेचुरल नेचुरल डेथ होता है, नेचुरल डेथ। हाँ ठीक है, नेचुरल डेथ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो यहाँ जो सप्लाई होता है नेचुरल थोड़ी होता है, सब मार मार के। ओके काफी उतार चढ़ाव हो रहा है आज तो, अरे तभी हमारे खतरे में है अभी राकेश प्रभु, सुधीर प्रभु तेजी से बढ़ रहे हैं, बस ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, क्यों कुछ भी हो सकता है राकेश प्रभु। तीन क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी आपको, बचा के थोड़ा सा हरि नाम जपते रहिए। ओके मल्टी सिलेक्ट कंठी माला, अच्छा ये हो गया शायद, अच्छा अच्छा ठीक है। जब भक्त दीक्षित नहीं है पर सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, जो भक्त प्यार लहसुन का सेवन कर रहे हैं, हरि नाम का जब चार नियमों का नहीं कर रहे हैं, जो निम्न कुल में जन्म लिया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। केयरफुल मल्टी सिलेक्ट है और सारे ऑप्शन सिलेक्ट करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी बहुत लोगों ने सही किया, कंठी माला भक्त जो भगवान गीता में बोल दिए हैं, हाँ कि कोई भी मेरा भक्ति कर सकता है, देयर इज नो पॉइंट आप कहाँ पर कैसे जन्म लेते हो, सब कोई भक्ति के रास्ते में आ सकता है। कंठी पहनने की बात ही छोड़िए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, स्नान करना कब आवश्यक है? अब ये मैं चाहूंगा सबका सही हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे वाह, एक सेकेंड वाला लोगों ने चूज करने में थोड़ा सा अलग दिखाया। तो अगर आप दिन में जैसे मान लीजिए नैप भी लेना चाहते हैं तो इट शुड नॉट बी मोर देन कि एक घंटे से आप, मतलब वैसे तो 45 मिनट 40 इतना ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 40 मिनट नहीं तो एक घंटे का दिया गया है लगभग सुबह, लेकिन ये नहीं कि सो गए तो बस, हाँ तो ये नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स आपको भी नहाना ही पड़ेगा। नैप है नैप की तरह लीजिए, उसको नींद की तरह मत लीजिए, नहीं तो नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपका शरीर ना पूरा आलसी हो जाएगा, तमोगुण, तो आप स्नान नहीं करेंगे तो आपका दिमाग सतोगुण नहीं आएगा,
और उठने के पश्चात तो आजकल बताने की जरूरत है क्या, बताना पड़ता है। तो उठने के बाद भी नहीं स्नान करते, घंटों घंटों बैठे रहते हैं। अरे भाई एक बार स्नान कर लो, फिर काम कर लो, फिर से गंदा हो जाए शरीर तो फिर से स्नान कर लो। लेकिन ऐसा नहीं, हाँ कि हमें तो कुछ काम करने घर के तो बाद में नयन करेंगे। अरे नहीं, आप अगर अशुद्ध अवस्था में हो और आप कोई भी काम करोगे हर चीज अशुद्ध हो जाएगा। किचन में सोचते हैं इसे चले जाते बिना नहाए बना लेते हैं। अरे किचन कल हमने सीखा किचन क्या है, अभी वो नहीं बताएंगे किचन, वो अभी आगे नहीं है शायद क्वेश्चन, अब बता देते हैं। किचन भगवान का क्या है, वो मंदिर का एक्सटेंडेड फॉर्म है, मंदिर ही है वो किचन। तो किचन में अगर आप जा रहे हो बिना नहाए तो घुस रहे हो, तो दैट इज द मोस्ट, ये भी ऑफेंस है। भगवान का किचन है, वहां भगवान का भोग बनता है, कोई जूठा बर्तन नहीं जाना चाहिए। हाँ ये सब नियम है। और एक जो ज्यादातर घर सभी घरों में प्रॉब्लम होता है कि आप घर वो किचन के अंदर ही सब धुलते धुलने का भी सिस्टम होता है, उसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा, अगर कहीं कहीं डाइनिंग का सिस्टम होता है तो बाहर भी धुलने का व्यवस्था हो सकता है। तो ऐसा करिए, भगवान के जो कुकिंग पॉट्स हैं वो सब अंदर धुलिए, बट आपकी कोई कुछ बर्तन है 5-6 आपकी प्लेट्स हैं वो बाहर धुल लीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। जूठे बर्तन अंदर किचन में ना धुलें, नहीं तो सारा अंदर का वातावरण जूठा हो जाएगा, फिर वहां भगवान के बर्तन आप फिर गड़बड़ नहीं हो पाएगा। आप पता लगा मिला दिया दोनों गया जूठा हो गया। इसीलिए कोशिश करें बाहर कुछ व्यवस्था है, बेसिन बनवा लें कुछ कर लें ताकि अंदर जूठे बर्तन ना जाएं। तो ये मतलब बेस्ट है, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा अलग अलग करके कर सकते हैं ना, क्यों वो बर्तन आप पहले धुल लें आगे पीछे कर लीजिए साफ सफाई कर। बट मेनली दिस इज द वे कि किचन के अंदर एंट्री नहीं होना चाहिए जूठा कुछ भी। घरों में मुझे याद है बचपन में माताएं तो कढ़ाई में ही सीधे खा लेते हैं, हाँ सीधे जो भी मतलब कुछ भी बर्तन कब धुलने पड़ेंगे, जो बच्चा उसी में शुरू हो गए। तो ये सब पहले का सिस्टम लोग पता नहीं ना कि सब चीज होता है ऐसे, भी बच्चे बस शुरू हो जाओ किसी में भी खा लो तो ऐसा नहीं होता है। और आप लोग जब सर्विंग करते हैं तो सर्विंग करते समय कभी भी जूठे हाथ से सर्विंग ना करें, नहीं तो सब कुछ क्या हो गया आपका प्रसाद बन गया है। पहले तो भगवान का प्रसाद था, अब आपका भी उसमें महा 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 प्रसाद हो चुका है। ऐसा मत करिए, नहीं तो सबकी चेतना ना एक जैसी हो जाएगी। तो इसलिए वो बर्तन भी जूठा हो गया पहली चीज, और आपका कृपा से कृपा भी मिल गया उसमें, आपका जूठा हो चुका है, सबको खिला दिया आपने। इसलिए हाथ धुलकर अगर सर्व करना है तो हाथ धुलकर फिर से सर्व कर दीजिए। वैसे तो अच्छा एटिकेट ही होता है भाई, एक आदमी तो सर्विस में रहे, फिर भी अगर बैठ गए हैं तो एक आदमी हाथ धुल के दूसरों को सर्व कर ले। तो ये सब कुछ नियम हैं जो हमें करना है। स्नान करने में आलस मत करें, ठीक है, और किसी भी कारण से दूषित होना मतलब आप मान लीजिए बाहर गए हैं और जो मान लीजिए बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गई बॉडी में, तो पसीना बहुत आ गया है तो भी दूध भी नहा लेना चाहिए, वैसे ही खराब लगेगा आपको। हाँ आप कैसे अच्छा महसूस करोगे इन अवस्थाओं में, प्रातः उठने के बाद अजीब सा लगेगा, अरे नहाने के बाद फ्रेशनेस आ जाती है। ये सब चीजें, और जैसे मान लीजिए आप किसी गलत, आप मान लीजिए जैसे अंतिम संस्कार में गए हैं, हाँ तो उस जगह से फिर वापस आते हैं तो स्नान करना है। जैसे हेयर कटिंग करवाते हैं नॉर्मली, हाँ हेयर कटिंग में जाते हैं तो बड़ा अच्छे से ऐसा सफाई करता है कि कहीं बाल का कड़वाना तो दिखता नहीं है, दैट डजंट मीन फिर भी आप गंदे हो चुके हैं, आपको स्नान करना चाहिए। और ऐसा स्नान कि पूरे कपड़े तक सारे स्नान होने चाहिए, मतलब आप सारा दूषित हो चुके हैं। आजकल कहाँ है, हम तो आए हैं अभी भी कुछ शेविंग करके, ऐसा नहीं, ये तरीके हैं भाई, नाखून काटने का रूल, सब ये सब एटिकेट्स हैं। तो ये सब आप करेंगे तो, नहीं तो कैसे हम अपने अंदर अच्छा आचरण ला पाएंगे। सो अभी कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, राकेश प्रभु कह रहे हैं आज तो बस मेरा दिन है, अभी ज्यादा से डिफरेंस है नहीं, 20-21 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड आई डोंट थिंक उसमें कोई ज्यादा चेंज होने वाला है बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन. शुरू करते हैं. हरि बोल. वैष्णव के लिए वैष्णव सदाचार की तुलना किससे की जाती है? एक समुद्र से जो था समुद्र है, आभूषण से, पुस्तकों से, सूचना से, ज्ञान. ये सबका सही होना चाहिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. प्रभुपाद के. तो वैष्णव वो आभूषण की तरह है. बैठी रही कहा, गलत कर दिया माता जी, हमारे सामने रख रही है उसको. अरे मेरा मोबाइल का आपने नाक कटा दिया माता जी. ठीक है. तो आभूषण, आभूषण है वो हमारा वैष्णव सदाचार. आप मान लीजिए हमारे अंदर वैष्णवता के एडिशनली ऑर्नामेंट है, ये नहीं है तो सब खराब हो जाएगा. अंदर से कितना भी है लेकिन बाहर से आचरण नहीं तो अपराध होगा, भक्ति खत्म हो जाएगी. तो ये आज के हमारा एंड क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन था और इसी से आज के विनर है हमारे वैष्णव सदाचार कोर्स के मीनाक्षी माता जी. हरि बोल. सुधीर प्रभु. हरि बोल. राकेश प्रभु. आज राकेश प्रभु ने ठान लिया था. हरि बोल. हमारे रनर अप्स हैं प्रणव एंड दीप्ति अग्रवाल माता जी. हरि बोल. बहुत अच्छा. तो आई थिंक कितने 65 पार्टिसिपेंट्स हैं. तो आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. तो देखें और भी नीचे भक्त कौन लगे हुए हैं जस्ट नीचे. तो ये तो हमने देख लिया 90% लोगों ने मारा है. 81 76. ओजस्वी ने 90 मार दिया. अरे सची चेतन ने 81. संगीता माता जी आल्सो केम इन द पिक्चर 81. प्रियंका माता जी, तपस प्रभु ने भी बिल्कुल आज टॉप 10 में आ गए हैं. शुभम मिगलानी 62 से टॉप 11 में है. अमन अग्रवाल 76. स्वास्तिक 76. रामरीत प्रभु आज हमारे ऊपर आके आज उन्होंने अच्छा जंग छेड़ा था 76. अजय मुंडा प्रभु कह रहे हैं हम भी वहीं से हैं तो हम सामने से पीछे रह सकते हैं 76. दिया 71. राधा रंजन प्रभु 71. राधा रंजन प्रभु एक बार अपना झांकी दिखाए थे 67. दीक्षा माता जी 67. वैद्यनाथ प्रभु 62. भगीरथ प्रभु 71. नियति माता जी 57. प्रियंका शर्मा 62. दीन बंधु प्रभु भी हैं 67 62. शुभम अनुराग 62. आयुष्मी खटक 71 से इन्होंने लग रहा है मल्टीपल में थोड़ा सा कम किया. संजीव कुमार 67. प्रशा 71. पद्मा शिव माता जी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 57. अरिहंत जैन 58. तितिक्षा 71. शांतनु भी हैं 76% में इतना पीछे कैसे रह गए. गौरव 71. ये गौरव तुम ही हो? अच्छा तुमने गौरव अपना बनाए रखा है लग रहा है. दुर्गेश नंदन 48. केशव 52. सियाराम प्रभु 67. सिद्धांत आज कैसे पीछे रह गया भाई. सीमा देहरादून 48. अजीत प्रभु 67. अभय 67. राहुल मल्लिक 1. मल्लिक 2. मल्लिक 3. कितने हैं 38. अनीता माता जी 43. अरे अभिषेक भारती आया था ना बीच में. अच्छा ये बाद में ड्रॉप आउट हो गए, इन लोगों ने क्वेश्चन छोड़ दिए. ये तो इनका कुछ ना कुछ ट्रेजडी हो गया है. कभी कभी नेट का इश्यू हो सकता है तो कुछ हुआ है इनके साथ दुर्घटना. भीष्म वर्मा 38. विशाल कुमार 57. पूनम 52. अनुश्री माता 52. निर्मला श्रीवास्तव 43. कृष 38. ऋषि 33. ममता राय माता जी 43. गोपाल 24. गोविंद 24. मंजू माता जी 48. परसेंटेज तो अच्छा है, माता जी का छूट गया लग रहा है कुछ. ठीक नहीं मार पाए. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. उषा माता जी 29. श्रेयसी मंडल 24. उत्कर्ष 33. चंदन प्रभु 29. भास्कर प्रभु 24. नंदू दुलाल
मैंने लास्ट में एंट्री मारा है तो 4-6 क्वेश्चन छूटे हैं, उसका भिड़ाया है। संपा माता जी 14, अंशु 19, मनोज 14, ओनिमा माता जी 14, लेट एंट्री करा है इन्होंने, तभी इनके सब क्वेश्चन छूटे हुए हैं। उमेश अग्रवाल, ओनिमा माता जी 2-2 बार। तो बहुत अच्छा, आप सबने पार्टिसिपेंट, आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। तो आई होप आपका ये वैष्णव सदाचार कोर्स से आपने कुछ सीखने को मिला है। आई वॉन्ट आप सब लोग अपना थोड़ा वीडियो ऑन करिए और कुछ कुछ आप लोग अपना रियलाइजेशन जो शेयर करना चाहते हैं इस कोर्स के दौरान, आपको क्या कुछ आप ऐसा है जो अपने जीवन में उतारेंगे, कुछ बस सुना है कि एक काम से सुना है दूसरे से निकाल देंगे, कुछ बेहतर करने का कुछ संकल्पना आई है अंदर से, इच्छा जागी है, कुछ अपना कुछ भावना आया है, तो कृपया करके थोड़ा शेयर करिए, हाथ उठाइए। इधर कोई बोलना चाहेगा? तुम लेट क्यों आया था? वहाँ पर सवाल लेकर आए। हाँ बोलो। तो दे दो भाई थोड़ा आवाज तेज से बोले जरा। अरे बाप रे बाप। तो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं आपको, भक्त बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर कुछ संकल्प लेने जा रहे हैं कुछ कुछ, तो आप लोगों से भी अभी हम पूछेंगे, तैयार हो जाइए। तो इधर हमारे भक्त हैं। हाँ बोलो। हरे कृष्णा जी, आज कल कल से करेंगे ये। तो इन्होंने संकल्प ले लिया है, मनोज प्रभु ने हमारे बोली हरी वो, आप इनके संकल्प को थोड़ा सा इनके साथ कुछ और भक्त भी हो भी ले सकते हैं। हाँ ले लेंगे। तो और बाकी इधर कोई है? थोड़ा थोड़ा सा हटो भाई सामने। हाँ हमारे अरुण प्रभु ले रहे हैं संकल्प। जूठा बर्तन कभी ले, सही है। हाँ बढ़िया है। और बताइए, बस इतना ही? और प्रभु जी जैसे चप्पल जूता पाए और पहले घुसते थे वो लेकर। हाँ बाहर बिल्कुल सबसे दूर उनका स्थान, जैसे गेट में घुसते हैं ना वहीं कहीं होना चाहिए स्थान। यानी कि आजकल तो आप देखो कभी कभी जब ट्रेन में चलते हैं ना सिर पे ही रख के सो जाएंगे ऐसा लग रहा है। हाँ अरे भाई इतना इतना सम्मान मत दो उसको, चोरी के डर से सिर पे रख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता अभी। हाँ अमित करमई प्रभु को दीजिए, इन्होंने एक संकल्प लिया है। तुमने अटेंड किया है कि बस संकल्प ही लोगे? संकल्प अटेंड किया नहीं? बोलो। भक्तों से आज के बाद झगड़ा नहीं करूंगा। अरे वो ये इन्होंने बहुत बड़ा बात बोल दिया है, नहीं तो भक्तों से लड़ाई करने में थोड़ा एक्सपर्ट है। और बताइए। ऐसे थोड़ी हमने दावत खाने के लिए आपको पूरा कोर्स कराया है भैया, इसका कुछ उद्देश्य है। बोलिए माता जी। सारे नियमों का पालन करने की कोशिश करूंगी। सारे में कौन सा आता है, ABCD? कुछ तो बताइए। एक तो बता दीजिए तो पालन करना है, सारे का तो बात की बात करेंगे। वैसे माता जी आजकल मंगला आरती आ रही है, इससे कम बड़ी बात नहीं है। इस उम्र में भी माता जी संसार दावनल गाने आ रही हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। शरीर साथ नहीं देता इसीलिए उसके भक्त सब आपके लिए बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम। सब भगवान आपसे प्रार्थना कर रहे हैं भक्त की आपको भक्ति अच्छा हो। हाँ बोलिए माता जी। सुबह उठ के पहले नहाने का काम बहुत अच्छा लगा, वही करना चाहिए। उसके बाद रसोई घर में पूजा सब करना चाहिए। हाँ सफाई अगर नहीं होगा तो फिर सब जो घर की सफाई, घर की सफाई। हाँ बहुत अच्छा, बहुत हरी बोल। सवेरे उठ के पहले नहाने का प्रयत्न करेंगे, उसके बाद रसोई घर जाएंगे और सादा जीवन उच्च विचार का उसको लागू करने का प्रयास करेंगे। सादा जीवन उच्च विचार में क्या करना चाहेंगे माता जी? वही सादगी जीवन। क्या कौन सा साधु कौन सा है ये बताइए।
ये दाल चावल नहीं, जो भी खाएंगे कृष्णा को भोग लगा के खाएंगे, ये सादा जीवन है। हाँ नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड जीवन है। हाँ खा रहे हैं अपने अपने लिए 56 भोग, भगवान के लिए हाँ मिश्री माखन, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ माता जी, कृष्णा प्रभु जी कोशिश करेंगे कि हम साड़ी पहन के आएंगे। चलिए माता जी अपनी ड्रेस पे थोड़ा ड्रेसिंग कोड ठीक करेंगी। बोले हरी बोल, और कोई है इधर? हमारे टॉपर सुबह उठ के दिन का शुरुआत स्नान से ही करना चाहिए। हरी बोल, बता रहे हैं कि करेंगे करेंगे चलिए नहीं करेंगे हाँ करना चाहिए, तो नियम होता है दूसरों के लिए। बढ़िया, सुबह ही जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बाकी इधर ऑनलाइन जो भक्त हैं, थोड़ा सा अपना रियलाइजेशन शेयर करिए। ला इधर उसको ला। प्रियंका क्या बोल रही है देखो भाई, अनम्यूट कर लो। हरी हरी बोल प्रभु जी। हाँ क्या बोल रही हो बताओ। मैं बहुत सारे नियम पालन करती हूँ, नहाना है ना, झूठा बर्तन स्लिप पे ना रखना, लोग पानी पी के स्लिप पे ग्लास रख देते हैं तो मैं साफ करती हूँ कि अभी यहाँ खाना बन रहा है। भोग सुबह ही सुबह जो बना पाती हूँ नाश्ता, उसका भोग लग जाता है। तो मेरे को तो मेरे घर में मतलब करती हूँ जबरदस्ती, लेकिन ये सुनने को मिलता है कि तुम तो मंदिर में रह लो जाके तो मैं तो घर को घर की तरह रहने दो, कि टॉयलेट घर की तरह रहने दो। बहुत अच्छा माता जी आप कर रही हैं, अच्छा है। बाकी कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं बताइए थोड़ा। बाकी और जो वैष्णव सदाचार मैं नहीं कर पा रही हूँ और नियम का पालन करूंगी। मैं प्याज लहसुन खाती नहीं हूँ, मैं बाहर का भी अवॉइड करूंगी खाना, ये सोच रही हूँ। मजबूरी है, बच्चे हैं प्रभु जी, बाहर जाके कुछ खा लेना पड़ता है, लेकिन बहुत सोच के कि मतलब सफाई हो, गंदगी ना हो। ये आपको बाहर की सफाई तो मिल जाएगी, अंदर की सफाई नहीं मिलेगी बाहर के खाने में। वो तो अपनी भी करनी बहुत जरूरी है प्रभु जी। मुझे बाहर में सी प्रॉब्लम विद नॉट विद द हाइजीन, प्रॉब्लम विद द कॉन्शियसनेस। एग्जैक्टली, बट मुझे लगता है कि मेरी वजह से सब लोग घर में एडजस्ट कर रहे हैं, तो क्या मैं ही गलत हूँ कि टॉयलेट से आके नहाना जरूरी है। मुझे सबसे पहले सुबह नहाने की आदत है बचपन से ही। अब तो आप करते रहिए, बाकी आपके ऊपर बाकी फैमिली है उनका अपने आप ही कल्याण है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। सिया राम प्रभु आपका माइक काम करेगा आज देख लीजिए, थोड़ा आपका माइक काम नहीं करता है। हाँ, अभी तो कर रहा है ना। आपने बोलिए, अभी चल रहा है कि नहीं? आर्टिकल हाँ आ रही है आवाज, बोलिए। जी जी, नहीं आज लैपटॉप में नहीं हूँ मैं, मोबाइल में, मोबाइल पर बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा, बोलिए ना। ठीक है प्रभु जी, जो डूज एंड डोंट जो ये 3 दिन का क्लास चला, ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा। मैं तो इन्हें सोचता था कि सिर्फ भागवत और भागवत गीता और यही सब पढ़ाना है, लेकिन कम से कम ये बेसिक चीज जानकारी हमको इसमें से 50% जानकारी नहीं था। भगवान के सामने कैसे दर्शन करना है, भक्तों के साथ कैसे बिहेव करना है, मंदिर में किस तरह से आने पर प्रणाम करना है, तो हमारे लिए खासतौर से बहुत ही लाभकारी रहा। और हम मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम का पालन करेंगे, कुछ तो लगभग 50% तो पालन करते भी हैं। तो अच्छा, ऐसा बीच बीच में मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि बीच बीच में थोड़ा, हम लोगों की आदत है कि कभी कभी भूल जाने की, तो 2-3 महीने के बाद थोड़ा सा एक बार रिमाइंडर होते रहे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद बहुत बहुत। और मीनाक्षी और माता जी और सिद्धांत, हाँ बोलिए बोलिए, अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रहा है आपका। आवाज माता जी, आवाज का कुछ हो गया है? बस वो आपकी बस वो लग रहा है कुछ वो चल रहा है साइन से, साइन सिस्टम। आवाज देखिए कुछ माइक में प्रॉब्लम हो गया लग रहा है, नहीं आ रहा है आवाज माता जी, एक बार सही कर लीजिए फिर देखते हैं। ममता माता जी को तब तक देते हैं मौका।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी हमको अभी 3 दिन के कोर्स में हमको सबसे अच्छा लगा प्रभु जी कि हम लोग को आप जैसे कि आप लोग को देखते थे मिलते थे इतना अच्छा लगता था, आप लोग इतने अच्छे कैसे हैं, तो उस चीज को जानने के लिए मिला कि आप लोग कितना चीज का त्याग करके कितना अच्छा अच्छा काम करके आप लोग इतने अच्छे हुए हैं, तो उससे कुछ सीखने के लिए हम लोग को मिला और हम लोग को आवाज गई माता जी आपकी, नेटवर्क एक्सटेसी में आ गया क्या कुछ? आवाज गया माता जी अभी सुगतो प्रभु। प्रभु बोल रहे हैं घर पे तो धोती नहीं पहनते लेकिन पजामा पहनते हैं, व्हाइट पजामा, वो चलेगा मंदिर में के धोती पहनना पड़ेगा? ठीक है कोई बात नहीं, एक बार धोती का भी मजा देख लो। धोती हाँ इतना अच्छा लगेगा ना कि बोलोगे अरे इतना आराम कैसे लग रहा है, हाँ इतना आराम लगेगा ना, लगेगा कि क्या बिल्कुल स्वतंत्र हो गया लगे, इतना कंफर्टेबल है ना। भूल जाओ मार्केट से खरीदा था मेरा सब कुछ, मतलब वो ऊपर वाला जो व्हाइट ही था और सारा पजामा सब था। नहीं मेन चीज है कंफर्ट से, हमें पता नहीं है कि धोती कुर्ता में कितना कंफर्ट है। तो जब मंदिर जाते हैं तो धीरे धीरे, कभी एक दूसरा तरीका भी होता है जो डिवोटीज फॉलो करते हैं, जरूरी नहीं कि आप जैसे मान लीजिए मंदिर में डायरेक्ट जाएं, कभी कभी वो वहां जाकर भी चेंज कर लेते हैं, बाहर की सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, कभी कभी मान लीजिए वो ऑफिस से आ रहे हैं तो आप मंदिर में आए किसी भक्त के रूप में जाके चेंज करके फिर आप मंदिर प्रांगण में कुर्ता धोती में आ सकते हैं, ऐसा भी, और बाहर जब जाते हैं फिर से चेंज करके वापस जा सकते हैं। सो देयर आर वेज, तो एक बार आनंद तो उठाओ, धोती ऐसा लगेगा कुछ पहन कुछ कंफर्टेबल, बिल्कुल इतना कंफर्ट लगेगा ना फिर तो क्या है, हाँ भूल जाओगे। जीन्स पहनने के बाद आदमी जब उतारता है तो लगता है अरे इतना लग रहा बंधन में था, उसको बड़ा आराम महसूस होता है, कैसा लगता है? आराम लगता है जीन्स उतारने के बाद, बताइए थोड़ा अनुभव। हाँ ऐसा लगता है कुछ उतार बिल्कुल बंध गए थे, हाँ पैंट पहनने में थोड़ा सा और अच्छा लगता, तो धोती कुर्ता के बाद तो बहुत अच्छा। ठीक है तो ओजस्वी कुछ बताना चाह रही है ममता माता जी, आवाज अभी आया नहीं आपका दोबारा। हाँ हाँ ओजस्वी क्या बोलना चाह रही बताओ। अरे बोलो ज्यादा चेंज हो गया क्या, बोलो ठीक है। और कौन है ममता माता जी आवाज वापस आ गई? अरे एक तो क्या तुम्हारा नेटवर्क बेटा दिक्कत कर रहा है, थोड़ा नेटवर्क सही एरिया में आओ। और कौन है जरा थोड़ा सा आगे माता जी, आप आवाज आ गया क्या मीनाक्षी माता जी का आवाज अभी नहीं आया, तो आपका आवाज नहीं आया, उसको लग रहा है आपको फिर से लॉगिन करिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। राकेश प्रभु बताइए अपना आज आपका कैसा अनुभव हो रहा है टॉपर बनके? मुझे हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। अब आप टॉपर आज बने वैष्णव सदाचार के ना, तो आपसे तो कोई गलती की उम्मीद नहीं की जाएगी प्रभु जी, हम लोग का ये हाल है। तो आपको धोती कुर्ता में आना पड़ेगा जी प्रभु जी, बहुत हो गया जी प्रभु जी, आप लोग का आशीर्वाद शुभ दिन आएगा प्रभु जी। प्रभु जी एक तो मेरा सवाल है प्रभु जी, अब उसके बाद मैं अपना रिलेशन बताऊंगा। मेरा सवाल ये प्रभु, जैसे कि हम लोग तो जिंदगी मौत के बड़ा करीब से गुजरते हैं प्रभु जी, तो जैसे आप कई बार डेढ़ बजे कन्फर्म करने के लिए हमें टच करना होता है, तो हम कंठी वाला को समय कैसे क्या करें प्रभु जी? ठीक है कंठी माला थोड़ी दूषित होती है आपका, अच्छा कंठी माला तो आपको पवित्र करती है, वो थोड़ी दूषित होगी। जैसे क्लास में सुन रहा था प्रभु जी बता रहे थे कि जो है ना जब आप जाते हैं जैसे किसी के लास्ट राइट में जाते हैं गोल बने, तो फिर वहां से आके फिर खोल लेना चाहिए जाने समय, तो वो हम लोग के लिए संभव नहीं प्रभु जी, कब कौन डेथ करे कब सर्टिफाई करना है? खोलने का वो तो उसके लिए था, जैसे मान लीजिए आप भगवान को चढ़ाई हुई चीजों को जब पहनते हैं गले में, अच्छा कंठी माला के लिए कभी भी नहीं है।
अच्छा जी प्रभु जी, घंटी माला आपने पहन लिया तो कभी अंतिम सांस तक पहनते ही रहना। हाँ वो सब वही जितने भी जो माला है, जो कभी भगवान का कपड़ा मान लीजिए, जगन्नाथ जी की रस्सी पहन लिया, उन सब की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। है प्रभु जी, मेरा रियलाइजेशन ये है प्रभु जी की, मैं इस प्रभु जी के लेक्चर में सुना था कि जो भी आप जरूरत होती है, यदि आप भक्ति के लिए कोशिश करते हो तो भगवान ऐसी स्थिति क्रिएट कर देते हैं कि आपको वो नॉलेज मिल जाती है। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं मंदिर में कैसे कैसे एटिकेट्स, हम लोग को पता नहीं था कैसे चले जाते हैं हम लोग एकदम मेगा वंडर स्टाइल में, तो लेकिन ये क्लास के बाद बहुत सारे चीजें बहुत बेसिक से पता नहीं थी हम लोगों को, तो ऐसे आते थे बट कुछ कुछ तो किसी के उद्देश्य यही था जी। तो जोड़ी प्लस क्लास के प्रभु जी, इसको थोड़ा सही प्रभु जी पहले ही बोले प्रभु जी की थोड़ा सा बीच में रिपीट करते रहने से थोड़ा होगा, जो रिमाइंडर होता है 2-3 महीना 4 महीने बाद फिर से एक सेशन होगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है जी, लेकिन अब आपसे जोड़ी हुई विद एबीसीडी ऑफ द आपसे, लेकिन अभी उम्मीद की जा रही है कुछ। ठीक है, आप टॉपर बने, इसे नाम मत खराब करिए टॉपर बनने का। ठीक है प्रभु जी, हम तो गिरते पड़ते टॉपर बने, हम तो ऑपरेशन में गए थे, रास्ते में 2-3 सवाल रास्ते में बनाए कार चलाते अच्छा है बहुत अच्छा तो गिरते गिराते आपको वैसे टिकट में भी आ जाता है। ठीक है चलिए, और ममता माता जी का कोई बात नहीं, आपके विचार हमारे तक पहुंच गए माता जी, आपका नेटवर्क इशू क्या, नेटवर्क आपके विचारों को क्या, प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ गई माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए माता जी। तो ये सेशन एक्चुअली बहुत यूजफुल रहा है, हेल्पफुल रहा है, इससे जो हमें नहीं पता था वो क्लैरिटी मिला है, और जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उससे कॉन्फिडेंस भी गेन हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया रहा है। और डेफिनेटली वो गोल्ड के लिए बोले थे प्रभु जी, तो वो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे गोल्ड बहुत पसंद है। हाँ लेकिन ज्यादा उसमें ज्यादा नहीं करना चाहिए, बेसिक चीजें चलेगा। ठीक है, अब डेफिनेटली उस चीजों पे ध्यान दूंगी, अदरवाइज बहुत गला आज ज्यादा गले में पहन के घूमेंगे, गला ही नहीं रहेगा लोग तो आजकल घूम रहे हैं दिले, आजकल थोड़ा केयरफुल तो रहना ही है। वैसे ही आप जानते हैं प्रभु जी, साउथ में ये गोल्ड वाला सिस्टम कुछ ज्यादा ही है। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, और एक चीज सीखा, वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, इसको बिल्कुल मूल मंत्र बना लीजिए। बिना वैष्णव जब आप यहाँ आते हैं तो आपके सामने जो भक्त हैं, एटलीस्ट आप लोग जो माताएं माताओं से मिलते हैं, तो एटिकेट आना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं कि अरे इनका तो हम जानते हैं, अरे जानते क्या है तभी, प्रणाम करने से एक दूसरे को हमारे एक दूसरे की भक्ति की कृपा मिलती है। भक्त के सामने नहीं झुका तो फिर क्या झुका, भक्त और भगवान से ही तो कृपा मिलनी है। आप मंदिर आते हो अपनी भक्ति का वर्धन करने, अपने अहंकार का वर्धन करने थोड़ी, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम जो भक्त लोग यहाँ आ रहे हैं, कोई भी माता जी हो चाहे जो भी हो, अब 2-3 बार मैंने होता थोड़ा सा देखते है कि वो हमसे नहीं करना चाहते, तो उसमें क्या करें? ठीक है, उनको हरे कृष्ण बोल दीजिए प्रेम से, जिनको अच्छा एटलीस्ट जान रहे हैं उनको तो प्रणाम कर ही सकते हैं, पंचांग प्रणाम झुक के, क्या प्रॉब्लम। प्रणाम करने के बाद कोई रिएक्शन नहीं होता, करने का मतलब होता है वो ही करने का। हाँ नहीं तो इसीलिए तो हमें पता चल जाता है हमारा किसके साथ अच्छा बन रहा है, किसके साथ कर, और बाकी सबको हरे कृष्ण तो ऐसे बोल ही सकते हैं हरे कृष्ण, और भगवान के सामने हमें भक्तों को प्रणाम नहीं करना चाहिए, मंदिर प्रांगण में नहीं करना चाहिए, बाहर जिससे हम कर मिल रहे हैं। ठीक है, आप अपने हृदय में लाइए ना मुस्कुराहट, दूसरे की आपकी मुस्कुराहट हृदय की, दूसरों की मुस्कुराहट से क्या लेना, आप बोलते रहिए करते रहिए, आप हंसते रहिए, बाकी सब अपने आप ही सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरों का क्यों बुरा देख रहे हैं, अपना देखिए, अपना मुस्कुराहट बनाए रखिए, हमारी मुस्कुराहट दूसरों की मुस्कुराहट पे क्यों टिकी है ना, हमें सबका विश गुड फॉर एवरीवन। तो बहुत अच्छा माता जी, और हमारे कौन है भक्त, कौन कुछ शेयर करना चाहते हैं, दिया बोलना चाह रही है, बोल दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने लेक्चर से ये सीखा कि हमें तिलक लगाने हैं, तो मैंने
उससे मैंने स्टार्ट किया और मैंने नैवेद्य को भोग लगाने के लिए भी मैंने शुरू कर लिया। बहुत अच्छा, गुड। दिया के लिए हरि बोल। तो कुशल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ओके ममता, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सो बाकी आपका कुछ भी होगा तो रियलाइजेशन विल सी लेटर। आप लोग बस इसको जीवन में उतारिए और हम आपसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से प्रार्थना है कि आप सब लोग के अंदर भगवान के सारे, क्योंकि सारे दिव्य गुण वैष्णव के अंदर जो गुण आते हैं भगवान के गुणों का हमें अंदर समावेश हो जाता है। तो आप सब लोग के अंदर दिव्य गुण आ जाएं और आप सब लोग अपने जो इस यात्रा है आपकी भगवत धाम जाने की यात्रा वो जल्द ही ज्यादा सुगम हो जाए और आप सब लोग अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपस्थित भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद।